अध्याय तीन। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्ध दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वो कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वो भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन।